देखिए, सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो है एंटर्ड हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, डैशबोर्ड देखने को मिलता है। तो डैशबोर्ड में जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि डैशबोर्ड में जैसे जो भी जो सबसे ज्यादा नीडेबल चीज होती है कि टोटल मतलब टोटल सेल क्या है आपकी, टोटल परचेज क्या है, टोटल इनकम क्या है, टोटल एक्सपेंस क्या है, तो ये एकदम आपको एकदम ऑन द स्पॉट डैशबोर्ड के एकदम फ्रंट एंड पे आपको देखने को मिलता है, ताकि आप एक ही बारी में ऑब्जर्व कर सके अपने बिजनेस को किस तरीके से कहाँ पे स्टेबल आपका बिजनेस कर रहा है, कि क्या सेल है क्या परचेज है इस तरीके से। उसके बाद जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मार्क बुक्स ने इसमें लगाए हुए हैं, जैसे कि आप एक ही डैशबोर्ड पे यानी कि इसी डैशबोर्ड पे अपने पूरे बिजनेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या सेल क्या परचेज सारी तरीके से। जैसे कि हम धीरे धीरे बात करते हैं, ये है ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ मिल जाता है, जैसे कि मैं सेल है तो यहाँ पे आपको ग्राफ मिलेगा कि अप्रैल में कितनी सेल करी आपने, मई में कितनी करी है, जून में कितनी करी है, जनवरी में, दिसंबर में। तो आपको एक ग्राफ मिलेगा जिससे आपको खुद को एक टारगेट मिलेगा कि आपने अप्रैल में सेल कम करी है आप, ताकि आप जो है अपने टारगेट एक रख सकें कि आप मई में हमें सेल ज्यादा करनी है या जो भी है व्हाटएवर। तो आपको एक अचीवमेंट का एक मोशन मिलेगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डैशबोर्ड से। उसके बाद कैश फ्लो है, कैश फ्लो में इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ ग्राफ बताया है इसी तरीके से आपको ये ग्राफ मिलेगा। और फिर जैसे ही आप इस डैशबोर्ड के और भी जो है नीचे आएंगे तो फंड समरी में आपको टोटल अपना कैश बैलेंस, कैश डिपॉजिट विड्रॉल और चेक फॉर डिपॉजिट, मतलब कि वन शॉट आपको अपने जो फंड की समरीज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स ना देखनी पड़े इसके लिए कि कैश की आप अलग रिपोर्ट देख रहे हैं, बैंक की अलग रिपोर्ट देख रहे हैं। तो ये जो है आपको यहाँ पे समरी देखने को मिल जाती है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग है कि कितना मतलब रिसीवेबल है, यानी कि जो भी आप सेल कर रहे हैं कितना मार्केट से आपको पैसा लेना है यानी कि रिसीव करना है, और ये पेबल है, पेबल में कितना आपको मार्केट को पैसा देना है यानी कि जो भी आप परचेज करते हैं या जिन जिन को आपको पेमेंटें करनी है चाहे वो एक्सपेंस के हो। तो यहाँ पे आपको टोटल एक ओवरव्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस की, तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस को जो जो भी बिजनेस का आपका प्रॉफिट एंड लॉस है और जो भी आपका टैक्स पेबल है, तो यहाँ पे वन शॉट आप देख सकते हैं। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी वन शॉट है, और इसकी डीप यानी कि और डिटेल रिपोर्ट देखने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे देखना है इसकी डिटेल रिपोर्ट। और भी हम अब नीचे देखें तो जितने भी आप आइटम ऐड करेंगे, जितने भी एजेंसी कस्टमर सप्लायर कैटेगरी वगैरह ऐड करेंगे, तो ये आपको एक नंबर्स में बताएगा कि किस कितने ऐड आपने किए। और यहाँ पे जो है सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका फार्मा से रिलेटेड बिजनेस हो, चाहे आपका ग्रोसरी से रिलेटेड बिजनेस हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का बिजनेस हो जहाँ पे आपको स्टॉक बहुत मैंडेटरी मतलब मेंटेन करना होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक ऑप्शन मिल जाएगा कि जो भी आपके स्टॉक एक्सपायर्ड होने वाले हैं, मतलब कुछ नियरली जैसे कि 2 महीने बाद 1 महीने बाद जो एक्सपायर होने वाले हैं, तो यहीं पे उसकी एक नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि आप जल्द से जल्द एक्शन ले सकें। और उसके बाद जो स्टॉक आपके एक्सपायर्ड हो चुके हैं तो वो भी आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी में बताएगा, और रीऑर्डर आपके कितने लगने हैं, डंप स्टॉक कितना है, तो वन शॉट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और इसकी डीप रिपोर्ट यानी कि डिटेल्ड रिपोर्ट भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से देखना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे पेंडिंग्स, यानी कि जो भी आप सेल्स चालान जनरेट करते हैं, सेल्स ऑर्डर जनरेट करते हैं, या फिर कस्टमर की अगर आप केमिस्ट में बात करें तो प्रिस्क्रिप्शंस अगर जो होती है जो हम बनाते हैं, जितनी भी पेंडिंग्स होगी वो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी में देखने को मिलेगी। और जो डिटेल रिपोर्ट है वो हम अंदर देखेंगे जो ऑप्शन में हमें मिलेगा भी। तो ये कम्प्लीटली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जहाँ पे आप देखकर इस डैशबोर्ड को ये पता लगा सकते हैं कि आपका बिजनेस किस स्टेज में है और क्या है, मतलब ओवरव्यू कम्प्लीटली। क्योंकि जो ऑनर होते हैं ऑनर को डिटेल रिपोर्ट से इतना मीनिंग नहीं है, उनको उनको बस एक जो है शॉर्ट रिपोर्ट देखनी होती है कि हमने क्या खरीदा है इस महीने और कितना हमने बेच दिया है और क्या हमारे पे फंड का स्टेटमेंट है अभी। तो इस तरीके से जो ऑनर है ऑनर को वन शॉट रिपोर्ट देखनी होती है, तो ऑनर को ज्यादा मल्टीपल रिपोर्ट जो है एक 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 करके देखनी नहीं पड़ेगी, यही वो डैशबोर्ड से जो है अपनी सारी रिपोर्टें देख सकता है। और उसके बाद जैसे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको शॉर्टकट कीज मिल जाती है कि जो भी आप इसमें काम करेंगे काम से रिलेटेड जितनी भी कीज है यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। और ये जितनी भी कीज है अगर आपने मार्का ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चलाया है तो ये सारी कीज वही है, कोई भी डिफरेंट की नहीं है। अगर आपने एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ऑपरेट किया है तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
और जितनी कीज आप देख रहे हैं ये और भी जो है डे टू डे अपडेट होता जा रहा है, डे टू डे जो है यहाँ पे डेवलपमेंट होती जा रही है, आपको और भी की जो है इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हेडर की, यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है मार्क का, उसके बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट नंबर मिल जाते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबरों पे कॉल करके सपोर्ट ले सकते हैं। और ये आपकी जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का जो है स्टेटस, आपको स्टेटस यहाँ पे दिखता रहेगा। उसके बाद अगर आपके मल्टीपल कंपनीज है तो यहाँ पे क्लिक करके आप कंपनी को स्विच कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं जब आपका काम कंप्लीट हो गया है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई भी इशू आता है, अगर कॉन्टैक्ट बिजी जा रहा है ज्यादा, तो आप यहाँ पे एक टिकट जनरेट कर सकते हैं, उस टिकट के बिहाफ पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। कुछ इसी तरह की जो है यहाँ पे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप यहीं पे क्लिक करके जो है हेल्प की आपको सेल करनी है कैसे, तो यहाँ पे आप क्लिक करके सेल टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ये कीबोर्ड है आपका जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि शॉर्टकट कीज है यहाँ पे, अगर सपोज की इन फ्यूचर कीज बहुत आ जाती है और यहाँ पे आपको इन शॉर्ट देखने को नहीं मिलती तो यहाँ पे क्लिक करके आपको सारी शॉर्टकट कीज दिख जाएगी एक पॉपअप विंडो में। उसके बाद ये जो है आपका रिफ्रेश के लिए है, तो हेडर बहुत एकदम यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। उसके बाद सेटिंग है, पूरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स है, अगर आप डैशबोर्ड पे हैं तो डैशबोर्ड पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कंट्रोल, तो जैसे कि ये ओपन हो गया है। उसके बाद अब यहाँ पे सारी चीजें प्री डिफाइन की गई है कि आपको मतलब सेटिंग करनी है तो किसकी करनी है। सपोज कि आपको अकाउंटिंग फीचर्स में कोई सेटिंग करनी है तो यहाँ पे सारे अकाउंटिंग फीचर्स की सेटिंग है। आपको कोई भी इन्वेंटरी से रिलेटेड कोई भी एडिटिंग करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, जो रेड रेड पोर्शन आप देख रहे हैं ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, 1 से 2 दिन में जो है ये जो है आपको फीचर्स की जो सेटिंग है आपको देखने को मिलेगी। इसमें डेली टू डेली जो है अपडेट किया जा रहा है और एकदम जल्द से जल्द किया जा रहा है ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम फीचर देखने को मिले। और जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कि सेटिंग्स में प्री डिफाइन, तो सारी चीजें प्री डिफाइन करी गई है। आपको जिसमें जो भी सेटिंग्स करनी है, टैक्सेशन में सेटिंग करनी है, ट्रांजेक्शंस में सेटिंग करनी है, वार्निंग्स में सेटिंग्स करनी है, तो आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी आई होप। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट में लिख कर बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इसी चीज से रिलेटेड वीडियोस मिले और आप अच्छे से अच्छे सीख सकें और सिखा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।